बंदों के कमेंट्स थे कि सर इस वाले एरिया का मेडिकल पार्ट्स कैसा होता है इंडियन आर्मी। आज हम यहां पर आपको बताएंगे कि प्राइवेट पार्ट्स के बारे में मेडिकल किस तरह का इंडियन आर्मी में चेक होता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार जेडी। अगर दोस्तों आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और एक चीज अगर पुराने हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो, ठीक है। और आज हम बताने वाले, बहुत सारे बंदों के कमेंट्स थे, बहुत सारे साथियों के कमेंट्स थे कि सर मेडिकल पार्ट्स किस तरह चेक होता है। तो आज मैं डीपली आपको बताऊंगा कि मेडिकल पार्ट्स में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले जान लो, बहुत सारे बंदों को ये नहीं पता होता कि प्राइवेट पार्ट्स में कौन कौन सा एरिया आता है। सबसे पहले एक चीज जान लो कि प्राइवेट पार्ट्स में इतने एरिया में जितने भी पॉइंट होते हैं वो कई पॉइंट होते हैं, जिसमें से बच्चे परमानेंट के लिए भी बाहर हो जाते हैं। आइए सबसे पहले जान लें कि आपका जो मेडिकल चेक होता है, सबसे पहले आपका जो मेडिकल चेक होगा वो आपकी गोलियों का चेक होगा। यानी ये समझ लो कि जो आपकी गोलियां होंगी उसमें से मेडिकल कैसे चेक होता है। बहुत सारे के बंदों के कमेंट्स थे कि सर इसमें से मेडिकल कैसे बाहर हो सकते हैं, क्योंकि मेरा तो कभी छोटा बड़ा है नहीं, इतना छोटा। लेकिन एक चीज, जब डॉक्टर आपकी गोलियों को चेक करता है तो उसको ये पता होता है कि आपका जो गोलियां हैं वो मेडिकल फिट है या अनफिट है। एक चीज, आप भी इनको चेक कर सकते हो। कभी भी आप अपने प्राइवेट रूम में जाकर आप अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों गोलियों को चेक कर सकते हो कि मैं मेडिकल अनफिट हूँ कि नहीं। यानी 19-20 होगा तो चलेगा, लेकिन अगर 15 और 20 होगा तो नहीं चलेगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आपका जो पेनिस होता है उसमें टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेढ़ेपन के साथ साथ उसमें व्हाइट दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होगा, तो जो आप जहाँ से आप यूरिन त्याग करते हैं, जहाँ से आपका यूरिन निकलता है, कभी कभी क्या होता है कि वो जो आपका जहाँ से यूरिन निकलता है उसके दो पार्ट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। क्या होता है, जो आपकी चमड़ी होती है वहाँ से डिवाइड कर देती है, वहाँ से आपको दो दो जगह दो होल हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसमें से भी आपका मेडिकल अनफिट के लिए आपको लिख दिया जाएगा। इसके बाद जो आपका पेनिस होता है उसमें से आपका जो कैप होता है वो प्रॉपर वे पे खुलना और बंद होना चाहिए, ठीक है। किसी किसी बंदे का क्या होता है कि वो खुलता और बंद नहीं होता है, उसकी वजह से आप मेडिकल अनफिट हो जाते हैं। ये तो चार पॉइंट हो गए। इसके बाद पांचवा पॉइंट होता है कि आपका बैक साइड में आपका जो बहुत सारे बंदे होते हैं जिसकी बवासीर बोलते हैं, बवासीर की शिकायत के लिए आपको वहाँ पर मेडिकल चेक के लिए आपको डाउन करके वहाँ पर आपको मुँह से आवाज़ निकालने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपका जो बैक साइड से अगर कुछ ऐसा दिखता है, गांठ टाइप में दिखती है, तो वहाँ पर भी आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। तो इतने पॉइंट होते हैं, और इन पॉइंटों को बचने के लिए मैं एक वीडियो स्पेशल लेकर आऊँगा जिसमें से आपको मैं डेमो के साथ बताऊँगा। और ये समझ लीजिए, बस इतना इसके लिए मैंने ये बताया कि यहाँ पर आपका कितने पॉइंट हो सकते हैं मेडिकल पार्ट्स के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका प्राइवेट पार्ट्स में कितने कितने पॉइंट चेक होते हैं और कैसे कैसे मेडिकल होते हैं। जय जय।